प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में बाघ संरक्षण के लिए आयोजित 3 दिवसीय एशिया मंत्रालय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बाघों के संरक्षण पर चर्चा के लिए 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें बाघ विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रबंधक, दानदाता और अन्य लोग इस सम्मेलन में शामिल हैं। सम्मेलन में नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, रूस, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान और किर्गिस गणराज्य सहित बाघ की मौजूदगी वाले देशों के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा सम्मेलन में बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले तेंदुए के संरक्षण की भी चर्चा होगी। हालांकि भारत, नेपाल, रूस और भूटान जैसे देशों में बाघों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी इसे संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में रखा गया है। कुछ अन्य देशों में बाघों की संख्या चिंताजनक रूप से बहुत कम हो गई है।